राज्य में कोरोना 1334 दर्दी नोंधाया। सूरत में सौथी वधु 274 दर्दी तो अमदावाद में 175 पॉजिटिव केस। काळमुखो कोरोना वधु 17 दर्दीओने भरखी गयो। अमदावाद में फरी माथु उंचक्यो कोरोनाए। सिविल अने एसवीपी में आवतो दर त्रीजो दर्दी वेंटिलेटर पर। सिविल में सारवार लेता 80% दर्दीओ ऑक्सीजन ना सहारे। राजकोट में पण कोरोनाना वधता केरने कारणे अमदावादनो प्लान अमल में मुकाशे। जयेश रादड़िया ने राघवजी पटेल ने कोरोना तो राजकोट में स्वयंभू लॉकडाउन न पाड़वानी तरफेण में वेपारी। डॉक्टर अने आरोग्य कर्मीओ माटे सारा समाचार। फरज पर संक्रमित थता जो क्वारंटाइन थया हशे तो क्वारंटाइन ना समयगाळा ने ऑन ड्यूटी गणाशे। गांधीनगर विधानसभा सत्र अंगे मुख्यमंत्री निवास स्थाने महत्वनी बैठक। सत्र दरमियान 7 जेटला सुधारा विधेयक मुद्दे चर्चा थशे तो नवी शिक्षण नीतिना अमलीकरण बाबते पण चर्चा। धोरण 9-12 विद्यार्थियों माटे 21 सप्टेम्बर थी मरजियात शिक्षण नो प्रारंभ। केन्द्र सरकार की एसओपी अंगे राज्य सरकार करशे चर्चा। कोरोना काल में लॉकडाउन की असर। गुजराती जीएसटी की आवक में रूपया 10,453 करोड़ गाबड़ू। जीएसटी की आवक में 32.2% घटाड़ा साथ गुजरात देश में 12मा क्रमे। 21 ऑक्टोबर थी शुरू थशे टेकाना भावे मगफळी की खरीदी। 1 ऑक्टोबर थी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। खेडूतों की मांग ने ध्यान में रखता वहली खरीदी। राज्य में पुलिस और शिक्षण विभाग में मोटा पाये भर्ती। पुलिस विभाग में 7,610 और शिक्षण विभाग में 650 थी कराशे भर्ती। बनासकांठा में गौशाला संचालकों शिखर चौधरी की मध्यस्था बाद पड़िया शांत। आज सीएम और डेप्यूटी सीएम ने मळशे गौशाला संचालकों। डुंगळीना सतत वधी रहेला भाव ने रोकवा निकास पर प्रतिबंध। डुंगळीनो भाव वधीने 50 रूपये प्रति किलो।